नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। जनरली आप देखेंगे कि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे टॉपिक्स हैं, ये क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आजकल जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, इसलिए ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जो है आप देखेंगे क्या पूछा गया है, पूछा गया है विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 × 10⁻¹⁰ मीटर हो जाएगा, है ना, यानी कि इसको 6000 एंगस्ट्रम भी कहा जा सकता है। ठीक, विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट एंड प्रोड्यूसेज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। इट इज फाउंड दैट द सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमम इज एट 60° फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। इफ द फर्स्ट मिनिमम इज प्रोड्यूस एट θ1 देन फाइंड θ1, है ना। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक स्लिट होता है और सामने स्क्रीन होता है, वैसे ही जैसे कि इंटरफेरेंस में होता था, है ना। तो यहां पर ये जो स्लिट है, स्लिट विड्थ हम लोग रखते हैं डी, है ना, ये जो है इसको कहते हैं सेंट्रल लाइन। तो अगर nth मिनिमा की हम बात करें, nth मिनिमा सपोज थीटा n एंगल पर बनता है, है ना, तो यहाँ पर nth मिनिमा बन रहा है ना, तो हम लोग क्या रिलेट करते हैं, ये आता है d साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, ये होता है फॉर nth मिनिमा, है ना। अगर हम बात करें फर्स्ट मिनिमा की, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। और सेकेंड मिनिमा की बात करें तो उसके लिए आएगा डी साइन थीटा 2, इसको थीटा 1 कर देते हैं, इज इक्वल टू 2 लैम्डा, है ना। डी साइन ये थीटा 2 जो है ये 60° बताया गया है, सेकेंड मिनिमा के केस में एंगल बताया गया है 60°, तो मैं थीटा 2 को 60° यहाँ पर रख दूंगा, है ना। तो डी इंटू साइन 60° होता है √3/2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लैम्डा बाई डी का वैल्यू हम पता करें तो आ जाएगा √3/4 आ जाएगा। अब फर्स्ट मिनिमा का लोकेशन थीटा 1 हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में लैम्डा और डी का रेशियो रखते हैं। तो फर्स्ट मिनिमा के केस में डी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा है, यानी साइन थीटा 1 लैम्डा बाई डी के इक्वल है। लैम्डा बाई डी हमने पता किया है, ये आया है √3/4, है ना। तो साइन टेबल से आप वैल्यू इसका पता करेंगे तो थीटा 1 का जो वैल्यू है वो लगभग 25° आ रहा है, है ना। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ रहा है।